15 जनवरी को शाही स्नान के साथ कुंभ मेले का हुआ आगाज। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुंभ मेले में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई संगम में डुबकी। इस कुंभ मेले में लोग आंखों में आस्था का सैलाब लिए सुबह से शाम तक आते रहे और त्रिवेणी में डुबकी लगाकर मोक्ष प्राप्ति की कामना की। आइए जानते हैं कुंभ मेले में स्नान की क्यों है विशेष महत्ता। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि यानी नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है और उत्तरायण को देवताओं का दिन यानी सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। माघे मासे महादेव यो दास्यति घृतकम्बलम् सभुक्तवा सकलानि भोगानि अन्ते मोक्षम् प्राप्यति। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। महाभारत काल में भी भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। यही वजह है कि मकर संक्रांति के अवसर पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान माना गया है। प्रयागराज में भव्य तरीके से शुरू हुए इस कुंभ मेले में क्या रहा खास, इस पर न्यूज एंड व्यूज के संवाददाता श्रवण शर्मा ने जाना श्रद्धालुओं से उनकी राय। कहाँ से आए हैं आप? नेपाल। नेपाल से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? नागेंद्र गिरी। सर आप कहाँ से आए हैं? जम्मू कश्मीर से आए हैं। मेरा नाम सुमन कुमार चड्डा है। मेरा नाम सुरेंद्र शुक्ला है, मैं यही इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा, कितने लोगों के साथ आए? अकेले आए? 30 आदमी के साथ आए हैं। इस बार आप स्नान किए कुंभ में, क्या कुछ खास लगा? बहुत सुंदर लगा, बहुत आलम आया था, जहाज पर योगी बाबा आया था। तो योगी बाबा ने आपके लिए जो व्यवस्था की है वो कैसी व्यवस्था लगी आपको? व्यवस्था किया बहुत बढ़िया, व्यवस्था किया योगी बाबा। तो मेले की व्यवस्था जो की गई है, आप जम्मू कश्मीर से आपको जो है यहाँ खींच लाया संगम, संगम का प्यार तीर्थराज प्रयाग, तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव कर रहे हैं? यहाँ पहुंचकर सभी भगत जन जितने भी हैं बहुत खुशी से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। ये राजों का राजा प्रयागराज, हर इंसान यहाँ शुद्ध हो जाता है स्नान करने से और बहुत अच्छा इंतजाम गवर्नमेंट ने किया हुआ है। और सन 84 से मेले में आ रहा हूँ और आज तक इतनी अच्छी सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था मैंने कहीं कभी नहीं देखी। इस बार मेला देखने से लगता है कि हम लोग स्वर्ग लोक में आ गए हैं और ऐसी व्यवस्था योगी के अलावा किसी में नहीं लगता कि और कोई कर सकता है। शाही स्नान आज पहली बार हमको देवता गढ़ में नहाने को मिला, जिंदगी में पहली बार प्रयागराज में। प्रयागराज देख के दिल एकदम प्रसन्न हो गया। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय हो भोले।
पहली बार हम लोगों ने शाही स्नान का आनंद उठाया और माँ गंगा का आशीर्वाद मिला। हर हर गंगे शाही स्नान जीवन में पहली बार मैंने लोग देखा। पिछली बार की अपेक्षा इस बार कुंभ में क्या खास है? इस कुंभ में इस बार बहुत अच्छा का देख रखा है, साफ सफाई बहुत अधिक है। अच्छा अच्छा, और बाकी आपने स्नान किया? स्नान करके कैसा लगा? कहाँ से आए आप? जनपद जालौन से है, चंद्रमान सिंह पाल मेरा नाम। अच्छा अच्छा, माता जी आप कितनी बार कुंभ आ चुके हैं? चार बार कह रहे हो? चार बार। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ के? अच्छा हो रहा। अच्छा अच्छा, स्नान कर लिया आप? हाँ, स्नान कर लिया। अच्छा अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बार मेले की व्यवस्था को लेकर? व्यवस्था बहुत अच्छी है और साफ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है और सभी रास्ता एकदम एक्यूरेट चल रही है, किसी को कोई तकलीफ नहीं, वो तो कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रयागराज कुंभ मेले में जहां देश के कोने कोने से आए हुए लोगों के अलावा विदेश से भी लोगों ने आकर संगम में डुबकी लगाई, तो वहीं सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी संगम में डुबकी लगाकर मोक्ष प्राप्त की कामना की। इस बार कुंभ मेले का जो सबसे आकर्षण का केंद्र था वो था हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। कुंभ मेले के और भी वीडियो देखने के लिए और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।